नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑल इंडिया स्टूडेंट। दोस्तों, हमारा चैनल स्पेशली तैयारी कराता है यूपी पुलिस की, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तो आपसे निवेदन है नीचे एक लाल बटन बना होगा जिसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको यूपी पुलिस की तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं आज की वीडियो में क्या खास है। इंडियन पोर्ट, इंडियन पोर्ट, ये कुल 213 होते हैं। इनमें ये तीन प्रकार के होते हैं, बिग पोर्ट, बिग पोर्ट्स, स्मॉल पोर्ट्स, इंटरमीडिएट पोर्ट्स। इंटरमीडिएट पोर्ट्स, इंटरमीडिएट को सहायक बंदरगाह भी कहते हैं, सहायक हिंदी में सहायक बंदरगाह कहते हैं। तो आते हैं हम लोग वेस्टर्न कोस्ट साइड, वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट, कोस्ट पोर्ट। ये कुल छह हैं, सिक्स। तो पहला है कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है, कहाँ है? गुजरात में। दूसरा आते हैं मुंबई पोर्ट, नाम ही से पता चल रहा है कि ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी महाराष्ट्र में है, दोनों को महाराष्ट्र। और चौथा, चौथा है मरमा गोवा, जैसे लास्ट में ही पता चल रहा है कि ये गोवा में ही होगा। पांचवा न्यू मंगलौर, बंगलौर कर्नाटका में है, कर्नाटका, टिका कर्नाटका। इसको याद करने का एक तरीका है, बेंगलोर है कर्नाटका की कैपिटल, तो मतलब जहाँ एंगलोर आए लास्ट में बेंगलोर जैसा दिखे उसको मान लेना कि वो कर्नाटका में है। छठा है कोचीन, कोचीन जो केरल में, केरला में, केरला में है। ठीक, अब आते हैं ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड में कुल 7 पोर्ट हैं, 7 पोर्ट हैं। पहला कोलकाता, कोलकाता पोर्ट। दूसरा हुगली पोर्ट, ये दोनों वेस्ट बंगाल में हैं। तीसरा पैरादीप पोर्ट, पैरादीप पोर्ट ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, समय है। चौथा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ये है आंध्र प्रदेश में, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट हुआ, और ये नाम शायद सुना होगा तोती कोरीन, तोती कोरीन। और सातवां है एक चीज़ है जो ये बिग पोर्ट हैं जो वो 13 होते हैं, और जो स्मॉल पोर्ट हैं वो कुल 200 होते हैं, मतलब दोनों मिला के 213 पोर्ट होते हैं। ट्राई, तो आइए स्टार्ट करते हैं कांडला पोर्ट से। कांडला पोर्ट है वो नेचुरली है, नेचुरली है, और ये कच्छ की खाड़ी में, क्वेश्चन आया था एक बार कि ये कौन सी खाड़ी में, तो बोलेंगे कच्छ की खाड़ी में है।
ठीक है। और जो ये मुंबई पोर्ट है, ये मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, बिगेस्ट पोर्ट, बिगेस्ट पोर्ट, ठीक है। और जो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये इसका इंटरमीडिएट पोर्ट है, मतलब सहायक पोर्ट है मुंबई का, मुंबई का, ठीक है। फिर आते हैं न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर जो है जुआरी नदी किनारे है, जुआरी नदी के किनारे है, ठीक है। और ये दूसरा भारत का सबसे बड़ा वो है पोर्ट है, सेकंड बिगेस्ट पोर्ट। न्यू मैंगलोर में कुछ ऐसा खास है नहीं, बस इतना याद रखना ही कि ये कर्नाटका में है। और कोचीन को अरेबियन सी की क्वीन कहा जाता है, अरेबियन सी की क्वीन क्वीन कहा जाता है। और ये सेमी पोर्ट है, इसको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर यूज़ करता है, सेक्टर यूज़ करता है। तो अब आते हैं वेस्ट ईस्टर्न साइड में, स्टार्टिंग करते हैं कोलकाता से। कोलकाता जो है वो नेचुरली पोर्ट है, ये नेचुरली पोर्ट, और हुगली नदी, मतलब हुगली रिवर, रिवर के किनारे है, के किनारे है, ठीक है। अब आते हैं इस पे हुगली पोर्ट। हुगली पोर्ट इसका सहायक है, सहायक पोर्ट है। पैरादीप इसका सहायक पोर्ट है, इंटरमीडिएट पोर्ट ऑफ विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम इंडिया का सबसे गहरा, इंडियाज डीपेस्ट पोर्ट है। और जो चेन्नई पोर्ट है वो आर्टिफिशियल पोर्ट है, आर्टिफिशियल है। और तोतीकुरीन भी यही सेम है। और ये जो मरीन है इसको इंटरमीडिएट ऑफ चेन्नई पोर्ट भी कहा जाता है, ये चेन्नई पोर्ट का इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट ऑफ चेन्नई पोर्ट। इसको टोटली प्राइवेट सेक्टर ही यूज़ करता है, सेक्टर ही यूज़ करता है। थैंक आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।